अगर पसंद आया तो भाई लाइक वाइक कर लेना, कब तक ढिंचैक पूजा और वो गो करुणा गो उन लोग को ही सारी फुटेज देते रहोगे, हम लोग का भी तो सोचो। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, फिटी हुई कॉफी बनाएंगे विद दिस ब्रांड न्यू नाम डालगोना कॉफी। Hey guys, what's up? नितिन है, यहाँ पे बात करने वाले इस बहुचर्चित कॉफी की जो कि टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम पे FB पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे यहाँ वहाँ बहुत फैल रही है। एंड इट्स दैट सिंपल फिटी हुई कॉफी जो कि हम हिंदुस्तानी आज से नहीं 200 साल 300 साल से पीते आए हैं। एग्जैजरेशन था, मतलब नॉट लिटरली, यहाँ लोग लड़ मरेंगे 200 साल पहले तू देखने आया था। एनीवे, यहाँ पे जहाँ एक और घरों में लोग बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खाने के साथ, नई नई चीजें बना रहे हैं, वैसी डालगोना कॉफी जो है वो बड़ी फेमस होती जा रही है। है क्या यार, आइस क्यूब्स, ठंडा दूध, उसके ऊपर फिटी हुई कॉफी, जिंदगी सेट। नहीं सच में, इट इज दैट ओनली। अब आप सोचेंगे कैसे बनानी, तो मैंने ट्राई किया यार। सबसे पहले तो हार्ट दुख जाएंगे, मतलब हाथ को हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो फेंटते जाइए। नॉर्मल कॉफी पाउडर लीजिए, उसको काफी देर तक फेंटते रहिए। नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, तमीज से बताना चाहिए यार यहाँ पे, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कैसे बनाई जाए डालगोना कॉफी। सबसे पहले 2 चम्मच कॉफी लेनी है, जो नॉर्मल कॉफी पाउडर होता है, वो चीनी और वो सब वाला नहीं, रेगुलर 2 चम्मच चीनी डालिए और 2 चम्मच गर्म पानी, ताकि वो अच्छे से फेंट जाए और झाग आ जाए। एंड जल्दी जल्दी सब कुछ फेंट लीजिए, 8 मिनट बाद जब आपके हाथ में हो जाएगा दर्द, उसके बाद आपको दिखेगा बड़ा अच्छा सा कुछ, वो झाग वाग टाइप्स कुछ दिखने लगेगा। और उसके बाद एक ग्लास लीजिए, शीशे का ग्लास अनिवार्य है, एज इन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज तभी तो आप दिखा पाएंगे ढंग से। उसमें 2/3 दूध डालिए, आइस क्यूब्स मिलाइए और उसके ऊपर चम्मच से ये फ्रॉथ जो है इसको डाल दीजिए। उसके बाद 2-3 हजार फोटोज खींचिए, कुछ एक वीडियोस बनाइए, अपने रिश्तेदारों को अपने मुंह में लगी हुई वो पीते हुए कॉफी का पूरा पिक्चर्स भेजिए, और जो सबसे साफ सुथरी पिक्चर्स हैं उनको इंटरनेट पे डालिए और लिखिए डालगोना कॉफी डन राइट। आई थिंक डालगोना की सबसे छोटी रेसिपी होगी यहाँ पे। अगर पसंद आया तो भाई लाइक वाइक कर लेना, ताकि हम भी जीवन में कुछ खुशी मना सके। कब तक ढिंचैक पूजा और वो गो करुणा गो उन लोग को ही सारी फुटेज देते रहोगे, हम लोग का भी तो सोचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।